एक्शन मोड में आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण। एक के बाद एक अस्पताल में आधी रात को पहुंचे तेजस्वी तो मिली तमाम खामियां। कहीं डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिली तो कहीं अस्पताल में ही लगाया था डॉक्टर्स ने बेडरूम। खामियां देख फड़के तेजस्वी ने मांगी रिपोर्ट और ले डाले मौके पर ही कई बड़े एक्शन। देखिए ऑपरेशन तेजस्वी कैसे पूरे बिहार में मचा रहा है सरकारी महकमों में हड़कंप। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, मुंह पर मास्क लगाए ये कोई और नहीं है बल्कि बिहार के नए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, जो इन दिनों एक्शन मोड में ऐसे आए हैं कि सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। काम चोर अब काम करने लगे हैं और ड्यूटी से गायब रहने वाले वक्त पर ड्यूटी पर आने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर नौकरी का जाना तय है। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब एक्शन का हंटर चल रहा है। सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है, हर कोई डर रहा है कहीं उप मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री औचक निरीक्षण न करने आ जाए और नौकरी पर खतरा पैदा हो जाए। खासकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का एक्शन काफी तेज चल रहा है। आधी रात को वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं और सरकारी अस्पतालों की कुंडी खंगालने लगते हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है जब मंगलवार को रात 12 बजे तेजस्वी औचक निरीक्षण पर पीएमसीएच पहुंच गए। तेजस्वी के पहुंचने पर अस्पताल स्टाफ नींद से जागकर सक्रिय हो गया, लेकिन डांट भी खूब पड़ी। मौके पर कुछ डॉक्टर सोते हुए मिले तो उनकी जमकर क्लास लगा दी। वहीं अस्पताल में अव्यवस्था पर तेजस्वी ने जमकर फटकार लगाई। इसके बाद तेजस्वी ने न्यू गार्डनर और गर्दनीबाग अस्पताल का भी निरीक्षण किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरीके की लचर व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधारने का अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी यादव प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच पहुंची तो वहां अस्पताल में कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब होकर आराम फरमाने चले गए थे। अस्पताल में ही कुछ डॉक्टर सो रहे थे। तेजस्वी ने डॉक्टरों को बुलाया और फिर उनकी जमकर क्लास लगाई। उन्होंने पूछा कहां गए थे तो पता चला कि वो लोग खाने के बहाने बाहर निकल गए थे। इस पर तेजस्वी यादव ने फटकार लगाई, जब रात में 10 बजे से ड्यूटी है तो खाकर क्यों नहीं आए। तेजस्वी यादव ने अस्पताल के कई रजिस्टरों को भी जांच की और जब अव्यवस्था देखी तो पारा सातवें आसमान पर पहुंचा। तेजस्वी ने ड्यूटी रजिस्टर देखते हुए डॉक्टरों को फटकार लगाई और कहा कि उन्हें ढंग से लिखना भी नहीं आता। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी की सबकी रिपोर्ट मांगी है और व्यवस्थाओं को तत्काल सही करने का आदेश दिया है। तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ एक्शन से बिहार के लोग जहां खुश दिख रहे हैं वहीं कर्मचारियों में खौफ दिख रहा है। लोगों का कहना है कि जो अब हो रहा है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब लोगों को लगता है कि बिहार तरक्की के रास्ते पर है और अगर सरकार ऐसे ही सक्रिय रही तो खामियां भी दूर होंगी और काम भी वक्त पर होगा। देखना यह है कि तेजस्वी के एक्शन का क्या असर दिखता है और हालात परिवर्तन होता है कि नहीं। रिपोर्ट।